नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एनआईपीएस ऑफ 2020 बैच श्री यश प्रताप श्रीमल जी। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पे सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टू हैव यू। वी डिस्कस अबाउट योर जर्नी ऑफ पोस्ट यूपीएससी एंड द जर्नी ऑफ यूपीएससी एंड व्हाट इट फाइनली टेक्स टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। आपने इस एग्जामिनेशन को अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सभी के अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, मैं अगर आपके स्ट्रगल की बात करूँ तो आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करना। सिंस नाउ टुडे यू हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड यू लुक बैक एट योर जर्नी, हाउ डू यू फील? कभी कभी एक्चुअली सरियल फीलिंग आती है कि मतलब एक पॉइंट पे एक दो साल पहले की बात है, हाउ टाइम फ्लाइज एक्चुअली। कि काफी टाइम तक आई वाज जस्ट एन एस्पिरेंट, कि वाज स्ट्रगलिंग टू गेट थ्रू द एग्जाम, कि एग्जाम निकल नहीं रहा है, क्या नया करूँ, क्या अच्छा करूँ, क्या बेहतर करूँ। और अब 2 साल हो गए, मतलब जैसे ये ट्रेनिंग भी मेरा फेज 1 खत्म होने आया है, कॉर्पोरेट लॉ भी मैंने पूरा फेज 1 कर ही लिया था। तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि टाइम इतना जल्दी बीत गया, कि आई ग्रेजुएटेड, फिर दिल्ली में रहा प्रिपरेशन के लिए, बाने पे इतना स्ट्रगल भी देखा, बाने फिर 5th attempt or 6th attempt का प्रेशर भी किया, झेला, और बाने फाइनली एग्जाम निकल भी गया। तो कभी कभी विश्वास नहीं होता, बट फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी गुड। अगर आप हम सभी को अपने थोड़े से एजुकेशनल बैकग्राउंड से रूबरू करवाते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड आई हैव एजुकेटेड मायसेल्फ इन मुंबई ओनली। I have done my bachelor's in mechanical engineering from Mumbai University and I graduated in 2013. How did you get this idea of civil service? Kya ye engineering base se shuruaat hui ya phir engineering ke baad? Because up 2013 mein aapne graduation ki and it has been a long journey, really long journey, and extremely inspiring. Basically, civil services as a career option ka idea mujhe final year of college mein maine seriously lena chalu kiya isko. और जैसे बट उतना आइडिया था नहीं कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, क्योंकि 2013 में सिलेबस भी चेंज हुआ था और पैटर्न भी चेंज हो गया था एग्जामिनेशन का। 4 GS पेपर्स आ गए थे, ऑप्शन लेक हो गया था और सीसेट काफी डोमिनेंट होने लग गया था उस साल से। तो तब तो मतलब माई ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जैसे पुराने टाइम पे होता था कि प्रतियोगिता दर्पण, मतलब न्यूज स्टैंड पे वही मिलता था। और मुंबई में बेसिकली देयर इज नॉट अ बिग कल्चर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और जो लिंक थी मेरी इस एग्जाम के साथ वो बस प्रतियोगिता दर्पण ही थी तब तो। बाद में व्हेन आई केम टू दिल्ली आई रियलाइज कि कितना मतलब क्या एग्जामिनेशन की ग्रेविटी है, कितने लोग लिख रहे हैं, क्या कैसे अप्रोच करना है, कौन सी कोचिंग जानी है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मुझे एक्चुअली दिल्ली आके ही पता चला। जब आपकी जर्नी को देखें, इट्स एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग, 6th attempt में आईपीएस क्लियर होना, किस तरीके से आप मोटिवेटेड खुद को रख पाए? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हेन आई गेव द प्रीलिम्स, तब तैयारी कुछ की नहीं थी और जस्ट चला गया था। तो तब मुझे याद है आज भी कि प्रीलिम्स में मेरा स्कोर जनरल स्टडीज में 62 था, एग्जैक्टली 62। तब सीसेट काउंट होता था बट सीसेट में अच्छे नंबर थे, बट जीएस में प्रीलिम्स में 62 थे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ कोचिंग जाने से उससे कुछ नहीं होगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो अगले अटेम्प्ट में स्लॉग हार्ड की प्रेजेंट काफी मेहनत की करा और तब मेरा स्कोर जम्प टू 138 अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में। और सेम्स मेंस में भी मेहनत की बट ऑप्शनल पे काफी थोड़ा लूज एंड हो गया था, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा थी तो मेंस का कट ऑफ मिस हो गया। सेम थिंग हैपेंड फॉर नेक्स्ट 2 attempts ऑल्सो, कि मेंस में मतलब थोड़ा कट ऑफ से मिस हो रहा है, बट जो था कि मेंस कट ऑफ सिर्फ सिंगल डिजिट मार्क्स से मिस होता था, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन था कि हाँ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आई यूज टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो और नंबर अच्छा आते थे, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है। बट बात सही है कि जैसे अटेम्प्ट्स प्रोग्रेस होते हैं तो ऑटोमेटिक एक प्रेशर आता ही है कि कैसे होगा करके, सब हर तरीके का प्रेशर आता है, खुद पे सेल्फ डाउट भी होता है, क्योंकि आप डे इन डे आउट एक ही चीज कर रहे हो, और मोनोटोनस भी हो जाता है। और आई हैव सीन कि जैसे अटेम्प्ट्स प्रोग्रेस होते हैं तो आपके पढ़ने की लेवल्स भी काफी कम होते जाते हैं। When you're fresh, you read more and you मतलब put a lot of efforts more. But मेरे पास एक point पे जैसे 5th और 6th attempt में, जो खासकर finally जो final 2 attempts थे, तो उसमें मतलब मैंने अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं, क्योंकि लिए मतलब काफी बाउट्स आते थे कि सेल्फ डाउट के, यार होगा नहीं हुआ तो क्या करूंगा करके। तो दैट कहीं ना कहीं एक वो था कि सेल्फ बिलीव ने ही मुझे आगे बढ़ाए रखा है, प्लस मेरे पेरेंट्स की ये था कि सॉलिड बैकिंग थी मुझे, मतलब वी बिलीव इन यू।
तो वो एक बहुत बड़ा रोल था जिसकी वजह से आई परसिस्टेड टू ऑल दैट. UPSC definitely बहुत ही अनसर्टेन एग्जामिनेशन है. आज भी रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एग्जामिनेशन बट अनसर्टेनिटी के साथ आती है. स्टूडेंट्स जो है एस्पिरेंट्स जो है वो प्लान बी के बारे में सोचते हैं बिकॉज एक दो अटेम्प्ट के बाद दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी फॉर बैकिंग देयर करियर एंड देयर लाइफ. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आप भी प्लान बी के बारे में सोचते थे एट सम पॉइंट ऑफ योर जर्नी? जैसे प्लान भी एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टेंटी है. मतलब इवन जो सिविल सर्विस का इस साल का टॉपर होगा वो भी गारंटी नहीं दे सकता कि प्रीलिम्स मेरा निकलेगा कि नहीं. दिस इज द लेवल ऑफ अनसर्टेंटी इन दिस एग्जाम. तो मतलब जैसे इनिशियल दो तीन अटेम्प्ट में मतलब प्लान बी के ऊपर फोकस करने से ज्यादा प्लान ए जो है उस पर फोकस करेंगे तो बेटर रहता है क्योंकि लिए मतलब यू कैन गिव योर अटेम्प्ट्स होल हार्टेडली. अगर आप प्लान बी के बैकअप सोच के अगर आप पहले दो अटेम्प्ट देंगे तो बहुत हाई चांस है कि आपका नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं आप दोनों जगह आप दोनों नावों में पैर रख रहे हैं तो फिर गिरने का चांस ऐसे ही ज्यादा होता है. इवन मैंने भी जब प्लान बी के जो था अपना जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर SSC वो मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट ऑनवर्ड सीरियसली लेना चालू किया है. जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था तो आई गेव एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट सर्विसेज ऑल्सो प्रीलिम्स दे दिया. बट एज यू आपको भी पता है कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम एक तो फ्रीक्वेंट नहीं होते, टाइम बाउंड नहीं होते. जैसे मैंने राजस्थान का दिया था, मैंने UP का दिया था, बट वही है कि प्रीलिम्स हो गया फिर मेंस का रिजल्ट नहीं आया फिर कोर्ट केसेस हो गए. तो जब रिजल्ट आया तब तक मैंने CSE 2019 का मेंस भी लिख चुका था मैं जब उसके रिजल्ट आना चालू हुए और मैं कॉर्पोरेट लॉ में था ही. तो ये एक अनसर्टेनिटी और ज्यादा खराब कर देती है. तो प्लान बी की बात रही तो लोगों को सोचना चाहिए बट एटलीस्ट पहले दो अटेम्प्ट तो होल हार्टेडली सारा फोकस लगा के देना चाहिए. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगर आपकी जर्नी की बात करें तो जो पहली बार आपने इंटरव्यू दिया था वो फिफ्थ अटेम्प्ट में दिया था. किस तरीके से यू नो जब थोड़े थोड़े नंबर से यू मिस आउट, हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट? इसमें ये चीज मैंने रियलाइज की, इसको दो देखने के दो पर्सपेक्टिव है. एक तो थोड़ा नेगेटिव तरीके से कि यार थोड़े से हो रहा है, थोड़े से रह रहा है, नसीब खराब है, आप अपने लक को क्रिटिसाइज करते हो. और एक तरीका होता है कि सिर्फ 8 नंबर से रुका, थोड़ी सी और मेहनत हो जाएगा, थोड़ी और मेहनत हो जाएगी. तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव लगाए. पहले जब एक बार रह गया तब नेगेटिव हो गया कि यार नसीब खराब था, नहीं हुआ यार, बैड लगता ये वो. थर्ड में भी बेसिकली यही चीज हुई. फोर्थ में जब नहीं हुआ तो आई ट्राई टू लुक इट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, यार सिर्फ थोड़े से ही रह रहा है, मतलब अगर 3-4 बार सिंगल डिजिट से रह रहा है तो मतलब आई एम डूइंग समथिंग राइट. सिर्फ थोड़ा सा एक पुश, हल्का पुश चाहिए. तो दैट इज व्हाट आई डिड इन माय फिफ्थ अटेम्प्ट एंड सिमिलरली इन माय सिक्स्थ अटेम्प्ट आल्सो. फिफ्थ अटेम्प्ट में जब फाइनल रिजल्ट आए थे तो जब मार्क्स नहीं आए थे तब तक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा फाइनल लिस्ट में. जब फाइनल मार्क्स आए थे आई मिस द फाइनल लिस्ट बाय सिंगल मार्क. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है. अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स आई हैव रियलाइज कि एक एक सिंगल मार्क इंपॉर्टेंट है. मतलब तीन अटेम्प्ट में मेरा मेंस का कट ऑफ कितना सिंगल डिजिट से रहा है तीनों बार और फाइनल फिफ्थ अटेम्प्ट में फाइनल लिस्ट का कट ऑफ वाज बाय 1 मार्क. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा एंड दैट केप्ट मी मोटिवेटेड इन द फाइनल अटेम्प्ट आल्सो. तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्प था बहुत बड़ा. तो उसमें मेरे इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ गए, मेरे मेंस में मार्क्स बढ़ गए उसकी वजह से. यूपीएससी सीएससी की बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन? डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन बेसिकली तो एक तो सिंसियरिटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए काफी ज्यादा क्योंकि लिए जी इट इज नॉट लाइक दैट कि एग्जाम है और सिर्फ टॉपर्स क्लियर कर सकते हैं. मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ स्टार्टिंग से, मतलब एकेडमिकली इतना ब्रिलियंट नहीं रहा हूँ. बट एक चीज मैंने देखी है हर कैंडिडेट में, मतलब इतने मुझे फाउंडेशन कोर्स में भी लोग मिले, इतने दोस्त मेरे निकले, सब में एक चीज ये थी कि एवरी वन वॉज हार्ड वर्किंग. कोई शॉर्टकट मार के एग्जाम नहीं निकला है, सब ने उतनी मेहनत की है, सब ने दिन रात एक कर दिए पढ़ाई करते करते. मतलब कोई IIT से हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें. कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी अच्छाई है इस एग्जाम की, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है. अगर कोई मेहनत कर रहा है तो सबको उतना ही चांस है इसमें. इट इज नॉट अ गेम ऑफ एकदम एक जैसे कैट में होता है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है तो एक कहीं ना कहीं इनहेरेंट एज होती है जैसे इंजीनियर्स को हो जाती है कैट क्लियर करने में. UPSC में ऐसा नहीं. इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड कि आप इतने घंटे दे रहे हैं या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं या आप इतने पेपर लगा रहे हैं तो आपका होना ही है, आपका कटना तो है ही नहीं. तो ये चीज मैंने रियलाइज की जब मैंने, और जब मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने बताया कि मुझे 62 नंबर थे प्रीलिम्स, फर्स्ट प्रीलिम्स मेरे जनरल स्टडीज में पेपर वन. और उसके बाद मतलब मैंने वही की मेहनत की, पेपर सॉल्व किए, अच्छे से पढ़ाई की, रिवाइज किया काफी ज्यादा. तो आई जंप टू 138 इन द सेकेंड अटेम्प्ट इटसेल्फ.
तो वो एक चीज है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं रुक रहा है, आपका एग्जाम निकलना है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि मतलब आपको खुद को पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अगर आप ये कमिट कर सकते हैं कि मैं मतलब इतने घंटे दूंगा, मैं इतना रिवाइज करूंगा, तो आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, कोई बात ही नहीं है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यूपीएससी सीएससी आपको प्रोवाइड कर देता है, नेवर मैटर व्हाट इज योर बैकग्राउंड, अलोंग विद सिंसेरिटी एंड हार्ड वर्क, एक सिस्टमैटिक अप्रोच एग्जामिनेशन का क्या होना चाहिए? जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच की बात रही तो टाइम टेबल एक मतलब ऐसे जैसे लॉन्ग टर्म एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे जो इनिशियली अटेम्प्ट कर रहे हैं इस एग्जाम को खासकर, तो जैसे अगर आप मेरा ये अप्रोच होता था बेसिकली कि मैंने एक महीना जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी करा था, मतलब पॉलिटी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे एक्ट और बिल के बीच में का फर्क नहीं पता था, ये मेरी हालत थी, वेरी ऑनेस्ट। तो जैसे मैंने एक एक महीना डिवाइड कर दिया था कि एक महीना पूरा सिर्फ पॉलिटी ही करूंगा, पॉलिटी पॉलिटी ही किया मैंने। वो सबका अप्रोच अलग अलग हो सकता है, मेरा ही अप्रोच था कि एक महीना मैंने पॉलिटी कर लिया, एक महीना इकोनॉमी कर लिया, एक महीना हिस्ट्री कर लिया पूरा, एक महीना साइंस एंड टेक और जो छोटे सब्जेक्ट है वो कर लिया, तो ऐसे करता था। और जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स था जब मैं सीएस दे रहा था, तो आई प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 4-5 months इजीली फॉर प्रीलिम्स इटसेल्फ। मैंने फिर एक महीना से पेपर ही लगाया, मैंने डेली एक पेपर सॉल्व करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। तो मतलब यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी कि मैं ये मेरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। एक और चीज, जैसे मैं हफ्ते का प्लान होता था कि मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ूंगा और संडे को से रिवाइज करूंगा, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक और होता है। और एकदम आपके गोल्स होने चाहिए कि मेरे को ये दिन में इतना कवर करना है या इतने पेज या ये चैप्टर करना है। एकदम बहुत सुपरफ्लूअस भी नहीं होना चाहिए कि आपने लिख दिया 50 पेज पढ़ने हैं मुझे, या फिर ये इतना का एक दो पेपर सॉल्व करने, उससे प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि अगर आप 10 पेज भी पढ़ रहे दिन का तो अच्छे से पढ़े ताकि आपको याद रहे, ताकि आप क्योंकि लिए आप जितना अभी पढ़ेंगे इतनी मेहनत अब करेंगे, आगे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो वाली बात। फ्रॉम योर कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, तो व्हाट हैज बीन योर क्रिटिकल पॉइंट्स इन 5th एंड 6th अटेम्प्ट जिसमें आप सक्सीड हुए? जैसे मतलब मेरा मेंस में रह जाता था, प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रेटजी काफी हद तक सही थी, क्योंकि लिए अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स मतलब जस्ट 138 बने, अगले में 148 142 मतलब स्कोर मेरा हमेशा अच्छा ही रहा है, मतलब फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर हो जाता था, तो प्रीलिम्स वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो मैंने स्ट्रेटजी वही फॉलो की बार बार, कि पेपर सॉल्व करता था, रिवाइज करता था जितना हो सकता है उतना। मेंस में एक चीज मैंने रियलाइज की कि पढ़ने से ज्यादा लिखने से फायदा होगा, तो बेसिकली 5th and 6th अटेम्प्ट में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की, कि मतलब मैं डेली ट्राई करता था कि मैं 10 क्वेश्चन लिख दूं, 5 EGS के 5 ऑप्शनल के, मैं ऐसे अप्रोच रखता था। प्लस आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि हम लोग 4-5 लोग मिलके हम डेली आंसर राइटिंग करते थे, फिर डिस्कस करते थे आधा पौना घंटा बैठ के। संडे को हम लोग ऐसे के टॉपिक से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके स्ट्रक्चर बनाते थे हर आधा घंटा बैठ के, और फिर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते थे। तो उससे बेसिक चीज क्या हुई कि ये ना हमको जैसे ऐसे में फायदा ये हुआ कि हमको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोड्स और सोचने की अप्रोचेस पता चल गई, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द ऐसे। जनरल स्टडीज में ये फायदा हुआ कि राइटिंग प्रैक्टिस में आपका प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, पॉइंट्स कितना लिखना है, राइटिंग स्पीड, ये सब इंप्रूव हो जाती है, तो आप इन्हें यू कैन प्रेजेंट इट बेटर। और कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे हर आंसर में अगर आपने आधा मार्क ज्यादा स्कोर कर दिया, तो एक पेपर में आपका 10 मार्क और ऐसे करके 9 पेपर 7 पेपर 70 मार्क्स का आपको एज होता है, और 70 मार्क्स मतलब उतना बड़ा गैप है लिस्ट में नहीं आने से लेके IAS बनने तक का, और वो बहुत बड़ा गैप होता है। ये मैंने रियलाइज किया इन द 5th and 6th। जिस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स की आपने बात की, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो मेंस आंसर राइटिंग और एसे की, किस तरीके से इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपने ऑलरेडी बना लिए थे, ये हमने कई लोगों से सुना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को ब्यूटिफाई करते हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट को इंक्लूड करते हैं, बट ये असिमिलेशन ऑफ फ्लो चार्ट या डायग्राम्स वो कैसे आता है आपकी आंसर्स में, ये एक ट्रिकी बात है। बेसिकली मतलब वो एक तो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं है इसमें, कि आप हर सब्जेक्ट में फ्लो चार्ट और डायग्राम नहीं डाल सकते। जैसे GS पेपर 2 में आप फ्लो चार्ट ज्यादा जगह नहीं डाल सकते, सिर्फ गवर्नेंस में जैसे आप सर्कुलर फ्लो चार्ट डाल दिया या फिर ड्रॉप डाउन फ्लो चार्ट डाल दिया। GS3 में काफी स्कोप होता है डायग्राम या मैप्स, या GS1 में जैसे ज्योग्राफी का पेपर है या फिर एंशियंट हिस्ट्री का पेपर है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है आर्किटेक्चर उसपे, तो आर्किटेक्चर में जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बार क्वेश्चन था, तो आप इन्हें डायग्राम बना सकते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि 20 क्वेश्चन होते हैं,
और काफी मोनोटोनस हो जाता है, फिर आप सिर्फ लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे, तो एग्जामिनर के लिए भी अगर आप साइकोलॉजिकली सोचे बीच में डायग्राम दिख रहा है, बीच में मैप दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी थॉट प्रोसेस ब्रेक होता है, तो है ना कहीं ना कहीं वो एक एज देता है, ये चीज मैंने रियलाइज की। तो जीएस 1 और 3 में तो काफी मतलब डायग्राम्स हो गया, या फिर जैसे फ्लो चार्ट हो गया, या फिर कुछ और हो गया फैक्ट, जैसे मैंने एक चीज सीखी थी मेरे दोस्त से रूममेट से, कि वो फैक्ट बॉक्स करके एक बॉक्स बनाता था साइड में जीएस 3 में, और फैक्ट्स लिखता था कि इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन आए तो ये फैक्ट्स है इंडिया में, वर्ल्ड में, स्टेट में, कि कौन लीडर है ऐसे, और एक अलग से एक दिखता था। फिर सेम चीज वो जीएस पेपर 2 में करता था कि एक बॉक्स बनाता था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आर्टिकल ये एड्रेस करता है, तो काफी अच्छा लगता, वो इनोवेटिव लगता था, कि मोस्टली आपको किसी पेपर में मिलता नहीं था वो, तो एग्जामिनर को भी अलग लगता है वो देख के। और मतलब अल्टीमेटली मैंने ये रियलाइज किया कि इट इज अ गेम ऑफ मार्केटिंग, आप अपना आंसर कितना अच्छे से मार्केट कर सकते हैं आप एग्जामिनर को, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेगा। तो ये चीज आप राइटिंग प्रैक्टिस में आप इनोवेशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले गलतियां बताई है कि मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग अवॉइड करता था, बहुत लैग आता है लिखने में, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम में सारा करूंगा तो नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो नहीं होता है, क्योंकि लिए इतना प्रेशर होता है कि पेपर कंप्लीट करना है, तो आपके मन में जो है ऑन द टॉप ऑफ द माइंड वही आता है पेपर में। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इनोवेशन, तो आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके वो मसल मेमोरी में आ जाता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी की आपने बात की, वो तभी आ सकती है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें। यस, और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, आप अपने आंसर्स को किस तरीके से मार्केट करते हैं, दैट्स ऑल मैटर्स। प्रीलिम्स आपने ऑलमोस्ट हर बात क्लियर किया है, व्हाट वाज योर की स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज़ यू हैव क्लियर्ड इट ऑल द टाइम्स। प्रीलिम्स में एक स्ट्रेटजी मैंने जो अपने दोस्तों के थ्रू यही सीखी थी कि रीड लेस रिवाइज मोर, ये स्ट्रेटजी थी कि रीड लेस इन टर्म्स कि मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो बुक को वही स्टिक करो, क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न इंडिया हो गई, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए वो नितिन सिंघानिया वाली हो गई, जैसे इकोनॉमी के लिए मैं श्रीराम आयस की नोट्स पढ़ता था, तो यही नोट्स मैंने अक्रॉस ऑल द 6 अटेम्प्ट्स कंटिन्यू किए। एनवायरमेंट के लिए शंकर आयस हो गया, तो मैं वही बुक बार 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 पढ़ता था, भले ही कितना ही मोनोटोनस हो जाए बट उसको बार 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 रिवाइज करके जाता था, ये मेरा स्ट्रेटेजी होता था। और जैसे मैंने पेपर सॉल्व किए, जब फर्स्ट प्रीलिम्स मेरे को एक्चुअली सीरियसली देना था, तो आई हैड सेट अ टारगेट कि मेरे को 50 पेपर सॉल्व करने ही करने हैं कम वॉट में, मतलब आई गेव माई सेल्फ अ डे ऑफ 45, 2 महीना दिया था मैंने पेपर सॉल्व करने के लिए फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में। एंड देन बाद में जैसे अटेम्प्ट प्रोग्रेस करते गए, तो मतलब मैं पेपर्स मतलब रिविजन टाइम भी मेरा कम होते गया, रीडिंग टाइम भी कम होता गया, और नंबर ऑफ पेपर्स भी मेरे कम होते गए, क्योंकि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि प्रीलिम्स से मेरी स्ट्रेटेजी सही लग रही थी। तो इट इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग। वो जैसे क्या होता है कि हम जैसे मार्केट जाते हैं तो हम नया मटेरियल दिखता है, नया ये ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो एंड में क्या होता है कि अपन रिवाइज नहीं कर पाते, और फिर इट इज गुड फॉर नथिंग, मतलब आपने मेहनत की, अपने टाइम डाला, वो वेस्ट हो गया। अल्टीमेटली अगर आप रिवाइज ज्यादा कर रहे हैं तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिकॉल। और पेपर सॉल्व करने से मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई कि एटलीस्ट यू नो हाउ टू टेक चांसेस, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक लगा के, एलिमिनेशन लगा के कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी अक्रॉस ऑल द टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही ओवर द इयर्स, जो आपने भी सीखा, रीड लेस रिवाइज मोर। व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, उस समय शायद इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी नहीं थी जितनी अभी है। आज ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये मिथ है कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपका डोमेन काफी बड़ा होना चाहिए। How to restrict your domain with your philosophy of reading less and revising more? जैसे in the last 2-3 attempts internet का काफी ज़्यादा role आ गया था, जैसे websites होती थी काफी अच्छी websites थी जो मैं भी refer किया मैंने, but starting attempts में जैसे जब option नहीं था तो hard copy पे ही हम rely करते थे, और बट कहीं ना आपको एक मेंटल बैरियर एक बनाना पड़ेगा, या फिर एक वॉल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहीं पे खत्म करनी, I have to draw my boundaries, कि मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल तो अपने अंदर से ही आएगा, नहीं तो मटेरियल की तो कोई कमी नहीं है मार्केट में, मतलब हर कोई कैपेबल है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, या फिर एक नोट्स, या फिर फोटो कॉपी, या फिर बुक लिखने के, बट दैट डजंट मीन। और कहीं ना कहीं एक एजेंडा ये होना चाहिए कि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, आपको PhD तो करना नहीं है किसी सब्जेक्ट में, आपको क्लियर करना है एग्जाम, अपना एजेंडा हमेशा वही होना चाहिए। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम आती है कि आप उतना ही पढ़ो और उतना ही रिवाइज करो जो एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तो आपको वैसे भी आ ही जाएगी,
बट अगर इफ यू एंड अप जस्ट रीडिंग 10 बुक्स फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट इट वॉन्ट हेल्प एनीवन. आपको भले नॉलेज हो जाएगा बट दैट इज फ्रूटलेस ना. ये मेरा अप्रोच था और ये मैंने दिमाग में बहुत जल्दी गांठ बांध ली थी. मेंटल बैरियर ये स्टूडेंट्स को भी ले आना है और जो सिलेबस को आप अच्छे से रेफर करते रहे. एंड दिस अगेन आई एम आल्सो रिपीटिंग द सेम थिंग, दिस मेंटल बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर जॉइनिंग इन टू आईपीएस एंड नाउ यू आर ऑलरेडी इन टू आईपीएस, the expectations and reality are they in harmony? Expectations or realities ka to dekho, jaise when we were aspirants to kahin na kahin is sabko motivate karta ki Mussoorie ka Hyderabad ka to kafi motivation rehta aur kahin na kahin kabhi kabhi thoda thoda chahiye bhi hota hai kyunki liye itna monotony ho jati hai is exam ke andar to motivation kahin se bhi aaye but aana chahiye to sustain yourself in this exam. तो जैसे एक्सपेक्टेशंस का तो बात रही तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं मतलब मेरी, क्योंकि लिए जैसे मैं कॉर्पोरेट लॉ की ट्रेनिंग में भी था तो हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं. कुछ अच्छा लगता है तो कुछ बुरा लगता है. जैसे पर्सनली मतलब मैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सो मेनी इंडोर क्लासेस, मतलब मुझे बोर होता है काफी ज्यादा. तो मसूरी में भी हम जाते थे तो बहुत सारी क्लासेस होती थी तो बाकी टाइम इट वॉज गुड कि एकेडमी अच्छा है, लोग मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है. बट जैसे मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतनी लंबी क्लासेस चलेगी, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलेगी, तो दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट. बट बात रही मसूरी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, सेम गोज विद हैदराबाद. हैदराबाद में योर एक्सपेक्टेशंस की यूनिफॉर्म मिलेगा, वो प्राइड है, वो सब अपनी जगह है, बट द रियलिटी इज हाउ हार्ड यू हैव टू वर्क टू अर्न इट. कि जैसे हम आउटडोर्स हमारा इतना रिग्रेस होता है कि वी हैव टू डू 25 किलोमीटर रूट मार्च, 40 किलोमीटर रूट मार्च, वी हैव टू रन 16 किलोमीटर. तो काफी वो जब रियलिटी जब आप खुद करते हो और जब आपको एक्चुअली पता चलता है कितना एफर्ट लगता है एक आईपीएस ऑफिसर एक्चुअली बनने में, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डर लगता है. इसके लिए मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हैवंट डन सच काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन देयर एंटायर लाइफ्स. तो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि जितनी मैंने फिजिकल एक्टिविटी इधर आके की है मैंने पूरे लाइफ में कभी नहीं की थी. तो वो चीज है कहीं ना कहीं, बट यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. जैसे मैं नहीं सोच सकता था कि मैं 12 किलोमीटर भाग लूंगा, 25 किलोमीटर चल लूंगा कभी, मतलब जैसे ग्रे हाउंड्स के हमारे अटैचमेंट होते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कर पाऊंगा, बट नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट. तो कहीं ना कहीं रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन हैव मेट और कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस आया ही है एकेडमीज में ट्रेनिंग करने. हमने आपकी जर्नी की बात की पोस्ट यूपीएससी, प्री यूपीएससी, कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ना सबसे पहले एक तो मन में से ये हटा दीजिए कि मेरे से होगा कि नहीं होगा. सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप मेहनत करने को तैयार है, आप कमिट करने को तैयार है इस एग्जाम को या फिर पढ़ाई को या हार्डवर्क को, तो आपका कोई चांस ही नहीं कि आपका नहीं निकले, आपका निकलेगा ही निकलेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट टू ईच वन ऑफ देम आउट देयर कि मेहनत करो तो निकल जाता है. मतलब पहले मैंने मेहनत नहीं की, मेरा नहीं निकला. सी मेहनत करोगे तो निकलेगा ही, नहीं मेहनत करोगे तो गारंटी नहीं निकलेगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर. क्योंकि देखो सच्चाई ऐसी है कि कंपटीशन बहुत है इस एग्जाम के लिए. तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो, जब भी मन में अगर आता है कि अगर मैं सोचा मैं आराम कर लूं, तो ये सोचो कि आपके सामने जो भी होगा इस एग्जाम में वो कभी पढ़ रहा होगा. आप जब आप मूवी देख रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटर होगा वो पढ़ाई ही कर रहा होगा. तो मतलब यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन दिस एग्जाम. और दूसरी बात यह रही कि रिविजन और जो राइटिंग प्रैक्टिस हो गया या पेपर सॉल्व करना हो गया, रिविजन हो गया, तो ये जनरली सब गलतियां करते हैं. पीपल एंड अप बाइंग मोर मटेरियल्स, की वही मटेरियल पढ़ रहे हैं बस, वो इसी को नया नया ला रहे हैं, रोज नया मार्केट को सारा रोज ला रहे हैं बट रिवाइज नहीं कर रहे. और एंड में लोग वही बोलते हैं कि मेरा प्रीलिम्स रह गया, मेरा प्रीलिम्स रह गया, वो इसीलिए रह जाता बेसिकली, है ना. तो मैंने ये रियलाइज किया कि यू हैव टू रीड लेस, रिवाइज मोर, तभी होगा एंड प्रैक्टिस मोर. एंडिंग विद दिस नोट, read less, revise more, and मेहनत करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And this is the very key to the success of this examination. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. The entire team wishes you all the very best. Thank you.